हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकोड़े। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये आलू कट कर लिए हैं और साथ में कट कर लिए हैं प्याज। आलू और प्याज की जो स्लाइस आप थोड़े से लंबे रखें, चौरस पीस ना रखें। तो एक पतीले में डाल लेंगे आलू और प्याज को, फिर डाल देंगे पीसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा बेसन। बेसन डालने के बाद तब तक हम बेसन को मिक्स करेंगे। हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख देंगे तेल गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की मात्रा जो आप थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें। और देखिए, हमारा जो बैटर है वो इस तरह का थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल पतला बैटर बिल्कुल नहीं रखना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ जो पकौड़े बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस तरह से हमने सूखा सूखा बैटर रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप पकौड़े बनाओगे बैटर जो है वो पतला होता जाएगा। तो इस तरह से अपने हाथ से थोड़ा सा बैटर लेके और गर्म तेल के अंदर एक एक करके हम छोड़ते जाएंगे इसको। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे। अचानक कोई मेहमान आ जाए और कुछ चाय के साथ सर्व करने के लिए पकौड़े है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फटाफट से आप आलू प्याज काटिए और बेसन में डालकर उसके पकौड़े फ्राई कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही मैंने डाले हैं उसके साथ एक फ्राई हो चुके हैं, तो मैं उनको फटाफट से इनको पलट देती हूँ। और यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी पकौड़े। चाय के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ, या फिर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो फ्रेंड्स, आलू प्याज के पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरह से जल्दी और फटाफट बनने वाली रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर नॉन वेज और वेज दोनों ही रेसिपी आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए